वैसे तो मुझे कुछ नहीं बोलना है अभी. आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी ऑफ यू टू बी वॉचिंग बेहद, बिकॉज अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो आई एम गिविंग ऑफ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं देनी है. इट्स अ सस्पेंस, इट्स काइंड ऑफ यू नो, आप लोगों को पिन्स एंड नीडल्स पे रखेगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है. तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप प्लीज़ बैठ के देखें. यही है, हाय मैं बेचारी, यू नो लाइक दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज़ गोना से, हाय बेचारी. हाँ, मेरा थोड़ा सा सैड कैरेक्टर है. अगेन मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या नहीं बताऊँ और क्या बताऊँ आप लोगों को, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू यू नो टेल कि क्या होने वाला है. मेरी बेटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत डिफरेंट है, और जो मेरा हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत डिफरेंट है. मुझे यहाँ से भी पड़ती है, वहाँ से भी पड़ती है, तो मैं बीच, दोनों के बीच में फंसी हुई हूँ. जैसे कि ट्रेलर में देखने हैं आपके जो हस्बैंड हैं बहुत मतलब काफ़ी दिनों से आपसे दूर हैं, बट आपका आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं. हाँ, मैं उनकी दीवानी हूँ, और आई थिंक 99% इंडियन औरतें अपने हस्बैंड्स की दीवानी ही होती हैं, चाहे उनको मार पड़े या उनको गालियाँ पड़े या उनको यू नो कुछ भी हो, वो एक सॉरी आके बोल देते हैं तो ये पिघल जाती हैं. तो मैं उन टाइप की यू नो उन वैसी औरतों के उनसे रिलेट कर सकती हूँ अपने आप अपने कैरेक्टर को. बट इट्स आई जस्ट होप जो मैं प्ले कर रही हूँ और जितनी भी औरतें मेरे से कनेक्ट कर सकती हैं, एंड इफ़ दे आर गोइंग थ्रू द सेम इन देयर हाउस, जस्ट वेक अप, लाइक डोंट टेक इट. आई मीन आपको एक ज़िंदगी दी है भगवान ने, जस्ट लिव फॉर योर सेल्फ, बी सेल्फिश, लिव फॉर योर सेल्फ. जैसे कि हम देख रहे हैं आपको काफ़ी दिन से टीवी पे, तो मतलब आपने इतना सारे सीरियल मूवीज़ किए हैं, तो इसमें क्या अंतर है? अभी तक जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, मैंने स्ट्रॉन्ग, मैंने मनमर्जिया में आई वॉज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन, मेरी आवाज़ पहचान में आई वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैथलिक वुमन, व्हाट डू कॉल इट, मैंने अभी एक छोटा रोल किया था कैमियो इन 24 में भी मैं इंडिपेंडेंट वुमन का कैरेक्टर था. दिस इज़ द ओनली सीरियल जहाँ पे मैंने ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ कि मेरे बस में कुछ नहीं है. यू नो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ नहीं है. बेहद जैसे कि बात करें, बेहद प्यार, प्यार गुस्सा है नहीं, है नहीं कुछ हुआ आपके साथ, आपने बेहद किया है? यू मीन रियल लाइफ में? रियल लाइफ रियल लाइफ में मैंने क्या किया है बेहद, वही मैं सोच रही हूँ. आई वॉज जस्ट, जैसे कहते हैं ना, एक पैरानॉइड मदर. मेरे 3 बच्चे हैं, एंड मैं एकदम साइको, मैं साइको नहीं बोलूँगी, बट मैं एक परफेक्शनिस्ट मदर बोलूँगी, जो कि मैं थी जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, कि सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे खाना खाना है, सही टाइम पे पढ़ना है, सही टाइम पे ट्यूशन जाना है, सही टाइम पे नहाना है, होमवर्क, एवरीथिंग हैड टू बी सिस्टमैटिक, में टाइम टेबल के हिसाब से कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती थी. तो मैं वो नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा कैरेक्टर है वो, यू नो इट्स कॉल्ड बेसिकली यू नो इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर क्या कहते हैं पैरानॉइड मदर, बट इट इज़ यही चीज़ मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं अगर चेंज कर सकती हूँ या करती, चेंज कर सकती थी, तो आई वुड हैव चेंज्ड दैट कैरेक्टर, बिकॉज अब मैं सोचती हूँ कि बच्चों को जैसे बड़ा होना है, जैसे करना है वैसे होने दो. यू नो लाइक मत डांटो, मत मारो. मैंने बहुत डांटा, मैंने बहुत मारा, मतलब आई जस्ट वॉन्टेड देम टू बी परफेक्ट चिल्ड्रेन, यू नो लाइक जहाँ विच इज़ नॉट राइट. बट स्टोरी जिस तरह की, ऐसा लगता है कि मतलब मूवी होनी चाहिए थी,
अमेजिंग स्टोरी, तो ऐसा नहीं लगता आपको मूवी बननी चाहिए थी बेहद पे? ओह आप बोल रहे हैं कि इस पर आप इसको प्लीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मूवी ही है, मूवी है. यू नो जैसे ये शॉट हुआ है और जैसे हमारे सीन्स इन्होंने शूट करे हैं, हमें एज एन एक्टर हमें नहीं लगा कि हम एक सीरियल कर रहे हैं. जब जो भी हमने सीन्स यू नो इन एक्ट करे वगैरह, इट वॉज लाइक ओ माई गॉड, इट साउंड्स लाइक अ मूवी, इट साउंड्स लाइक अ मूवी, इट लुक्स लाइक अ मूवी. एंड अब मैं इसको पूरा एडिट के बाद जब मैंने अब इसको देखा है तो इट इज़ लाइक अ मूवी, यू नो इट्स नो लेस. यू नो बट मैंने भी देखा अभी 30 में से 40 में, तो जरा सा भी बोरिंग नहीं लगा, ऐसा इंटरेस्टिंग. आगे क्या होने वाला है. सो वही तो मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे से कहानी पूछ रहे हैं कि आपका कैरेक्टर क्या है, वॉट एवर. मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं रहेगा देखने का कि ये है कौन और क्या है इसकी प्रॉब्लम और क्या है इसकी बेटी की प्रॉब्लम और इसके पति की प्रॉब्लम क्या है. आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओ यू नो लाइक अच्छा ये है. सो इसलिए आप प्लीज़ मेरे से कहानी ना पूछें. थैंक यू सो मच.